अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, जो हमने पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसको किस तरीके से हम लोग उसकी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, सो क्विकली मैं यहाँ से पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। सो सर्च बार में आप पावर PNT लिख दें तो पावर पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। सो इधर से पावर पॉइंट को खोलिए। ठीक है जी, पावर पॉइंट ओपन हो रहा है। अब आपने ये काम करना है कि पावर पॉइंट के खुलने के बाद आपकी जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके पास पड़ी हुई है, सो 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 मैं यहाँ से कोई फाइल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, हिस्ट्री लेक्चर एक पड़ा हुआ है मेरे पास, सो मैं इसको चूज करता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो फाइल बनी हुई है, कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे उसके अंदर कंटेंट जिस तरह का मर्जी हो, ठीक है। सो हम किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को किस तरह से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ से हम फाइल पे जाते हैं। फाइल से आप एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट से अब आपके पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट वीडियो। सो यहाँ से आपने क्रिएट वीडियो को चूज करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फुल HD बड़े साइज की आप वीडियो बनाना चाह रहे हो, यहां से लेंथ की आ रही है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइल साइज ये 1920 रेजोल्यूशन का आ रहा है और ये उससे भी बड़ा है। सो हम कहते हैं 4K, 4K लेटेस्ट फाइल का साइज है, जो काफी बड़ी फाइल होती है, उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी, उसकी स्क्रीन भी बड़ी होगी। सो हम इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहां से वो क्या कह रहा है, सेकेंड स्पेंट ऑन ईच स्लाइड। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड, मिसाल के तौर पर इसमें 10 स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हर स्लाइड के ऊपर वो कितनी देर के लिए डिले करे। ठीक है, सो हम यहाँ पर उसको बता देते हैं कि इतने सेकंड्स के लिए एक स्लाइड पर डिले करो। फॉर एग्जांपल ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आपने फाइनली यहाँ से क्रिएट वीडियो का बटन दबाना है और जिस लोकेशन में आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हो, सो 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 आई वॉन्ट टू सेव 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 इट ऑन C ड्राइव। सो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग्स का मेरा एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी वीडियोज रिकॉर्ड करके रखता हूँ। सो रिकॉर्डिंग में जाते हैं। रिकॉर्डिंग में आने के बाद यहाँ पर कुछ टेक्निकल वीडियोस मैंने बनाई होती हैं, छोटी छोटी सी, वो हाउ टू के फोल्डर में रखता हूँ। सो यहाँ पे हाउ टू में आ जाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कन्वर्जन, यहाँ कोई भी शॉर्ट नेम लिख लेंगे, लेक्चर लिख लेते हैं, मेक अ वीडियो इन पावर पॉइंट। जी मैं शॉर्टकट पे इसका नाम रखा और यहां से सेव का बटन दबा देते हैं। नीचे प्रोग्रेस बार नजर आ रही है जिस पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे हो क्रिएटिंग वीडियो, मेक वीडियो इन PP.MP4। सो उसने कन्वर्जन शुरू कर दी है। ठीक है, सो जस्ट लाइक दिस कंप्लीटेड, आपका टास्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपने जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को, अब आपको ये याद रखना है कि इट डिपेंड्स कि कितना टाइम लेगी इसको कन्वर्ट करने में, डिपेंड्स कि आपके पास मटेरियल कितना है। ठीक है, जितना मटेरियल होगा ये उतना ही टाइम लेकर इसको वीडियो में कन्वर्ट कर देगी। सो हमने सीख लिया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को किस तरह से हम वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के ऊपर और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं एजुकेशनल IT के हवाले से। सो मेरे चैनल की तमाम वीडियोस को देखें, खास तौर पर एक्सेल की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मुकम्मल एक्सेल के लेक्चर्स हैं, वहाँ से आप बैठ कर एक्सेल सीख भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच।